यूपी के सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधा और इलाज करने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग ही दिखती है। दरअसल मिर्जापुर के मंडली अस्पताल के एक वार्ड में मरीजों के साथ एक बेड पर कुत्ते के सोने की तस्वीर सामने आई है। दरअसल विभाग की तरफ से 24 घंटों कर्मचारी और डॉक्टर मरीजों की सेवा और इलाज करने के लिए वो मौजूद होते हैं, और उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें पूरी व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करती हैं। वैसे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और दवाइयों की कमी के साथ साथ ये साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था ना होने के मामले सामने आते रहे हैं, और इससे ज़्यादातर लोग रूबरू भी होंगे। लेकिन मरीजों को जहां इलाज के लिए भर्ती किया जाता हो, वहां के एक खाली बेड पर कुत्ते के आराम फरमाने की तस्वीर सोचने को मजबूर करती है। और इसी दौरान मरीजों का कहना है कि अस्पताल में गंदगी और लापरवाही के बीच मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ मंडली अस्पताल में आया हूँ, और जो यहाँ पे 21 डॉक्टर हैं और सभी डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी ड्यूटी ऑफिसर और चार लैब टेक्नीशियन हैं, वो मुझे यहाँ पर अनुपस्थित मिले हैं। सभी डॉक्टर्स ओपीडी वगैरह कर रहे हैं, और जो पेशेंट एडमिट हैं उनका भी प्रॉपर तरीके से केयर कर रहे हैं। साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो यहाँ उसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है, और इनको निर्देश दिए गए कि साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। इसके अलावा ये भी पता लगा है कि रेबीज के इंजेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो अगर इनको बताया गया कि सप्लाई नहीं हो रही तो यहाँ से लोकल परचेज कर ली जाए, और बाकी दवा वगैरह है वो भी मैंने देखा है जा कर के, तो इनके पास जो मिनिमम दवाएँ जो उपलब्ध होनी चाहिए वो है, लेकिन फिर भी निर्देश दिए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाएँ उपलब्ध रखी जाए ताकि बाहर से किसी को दवा नहीं खरीद। सर यहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा ठीक ठाक पैसे वाले हैं, घर अच्छे हैं, उनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जो अपने से आया उनका कोई देखभाल करने वाला है। यहाँ पर सिर्फ नाम का सरकारी अस्पताल खुला गया, तो कोई देखभाल ऐसा नहीं। तो यहाँ पे जो दो मरीज हैं उनको कहाँ पे लेटाया गया है सर? उनको तो लगातार यूपी के मिर्जापुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की एक लापरवाही देखने को मिली है। और आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में जहां अच्छी सुविधा और इलाज करने के लाख दावे किए जाते हैं यूपी सरकार की तरफ से, लेकिन जो तस्वीरें आज हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर मिर्जापुर की सरकारी अस्पताल की है, जहाँ पर मरीजों के बीच कुत्ता सोता हुआ दिखाई दे रहा है।